रॉयल कैपिटल ऑफ गया गिम है। गिम है ये जगह का नाम है यहाँ। या और इसने हाँ बोला है कि मैं इसको वीडियो में ले सकता हूँ, तो सो आई टुक देम। थैंक यू वेरी मच। खमसामिदा खमसामिदा। दोनों बच्चों के हाथ में जैसे वो कागज के प्लेन होते हैं वैसे प्लेन भी बनाए हैं। यहाँ ऐसी फ्लिप बुक बनती है, मैंने भी बनाई मेरी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में और हम आ गए हैं अपने नए डेस्टिनेशन पे। ये जगह बड़ी दिलचस्प है। ये बुसान स्टेशन से तकरीबन एक घंटे के रास्ते पर है। ये वेरी कलरफुल प्लेस है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसको अचानक से बनाया गया, क्योंकि कंट्री बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा था और जो वर्ल्ड वॉर से सैनिक वापस आए उसके पास न रहने के लिए जगह थी न उसके लिए पैसा था, तो वो लोग बुसान के ये आखिरी एंड पे आ गए और यहाँ उसने ऐसे ही जैसे जगह मिली जो उसके पास संसाधन थे उससे उसने अपने मकान बनाने शुरू कर दिए। आज फिर उसको इतने सालों के बाद भी एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन संभाल के रखा है एंड रियल पीपल आर लिविंग हियर। जस्ट देख लीजिए, बड़ी मेहनत के बाद हम यहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल पहाड़ की गोदी में ये जो उस टाइम खाली जगह थी वीराना था, यहाँ तक कोई नहीं आता था। ये लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं था, यहाँ आ गए अपने मकान बनाए अपनी तरह से, सबने इसको कलर किया। एंड लुक व्हाट दे एंड अप विथ, अ ब्यूटीफुल टूरिस्ट अट्रैक्शन दिस प्लेस। इतना ब्यूटीफुल, यहाँ के स्पेशल ड्रेसेस पहन के लोग फोटोग्राफी के लिए आते हैं। कलर से एक्सप्लोजन ऑफ कलर। सिर्फ ये देखने के लिए ना सिर्फ इंटरनेशनल टूरिस्ट बट लोकल लोग भी यहाँ तक आते हैं, अपने स्पेशल कपड़ों में फोटो खिंचाते हैं। ये पहाड़ की गोद में बना है इसलिए ऊंचा नीचा रास्ता है, ये सीढ़ियाँ नीचे ले जाती है। और पहले मंदिर जाते हैं, ये इसका फोटो पॉइंट है और यहाँ से देखते हैं फोटो कैसा आता है। ये बंदा हमारा और ये दूसरा, दोनों ऑस्ट्रेलिया से है, दोनों मेलबर्न से है। सॉरी मैट, व्हाट्स योर नेम? ट्रिस्टन एंड जेम्स। जेम्स, थैंक यू जेम्स एंड ट्रिस्टन।
नथिंग एल्स। सभी में लिखा है मेड इन कोरिया, 1500 वोन है, मतलब तकरीबन $2। कभी ऐसी शॉप नहीं देखी थी, सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसी शॉप हो भी सकती है। टूरिस्ट से भरा पड़ा है ये एरिया। यहाँ खाने पीने की मार्केट है। हाय फ्रेंड्स, एक बात बता दूं, वीडियो मेरा हिंदी में ही है। हाँ, ये मैं यहाँ गामचौन कल्चरल विलेज में घूम रहा था और एक्सीडेंटली एक इंडियन फैमिली से मुलाकात हुई, वो छत्तीसगढ़ से है, उसके साथ एक और बंदा भी था जो ओरिजिनली बिहार से है, 15 साल से यहाँ साउथ कोरिया में है। सो ही बिकम नाउ मोर कोरियन देन एनी कोरियन। मैं आपको उससे मिलवा देता हूँ, ये है वो जनाब। एंड अगेन योर नेम इज, ये है हमारे श्रीजन बाबू, और यहाँ ये पढ़ने आए थे, फिर यहाँ रुक गए और अब कोरियन हो गए। कहने की ज़रूरत नहीं है, इसने सब्सक्राइब किया है, इसका दोस्त जो छत्तीसगढ़ से आया है उसने भी सब्सक्राइब किया है। कोरिया की गेमचोन मार्केट में चलते चलते ये मिल गया। वॉल आर्ट है, कॉस्ट्यूम रेंटल शॉप, यहाँ पर भी कॉस्ट्यूम रेंटल शॉप है। पहली बार देखा ऐसा कहीं कि गाड़ियाँ आमने सामने पार्क हो। हाँ, बुक स्टूडियो, ये कुछ इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर यहाँ ऐसी फ्लिप बुक बनती है, मैंने भी बनाई, मेरी 10,000 वोन लगे, सो तकरीबन $12 और इंडियन रुपीस के हिसाब से कुछ 600 रुपये, बट अच्छा है, आई लाइक दैट। यार ये बढ़िया है, ऐसा लगता है जैसे बंदा उड़ रहा है। वाह, राइस पुडिंग, जापानीज फूड, यू कैन ईट इट लाइक दिस। ये मैंने राइस पुडिंग और ऑरेंज जूस, 4,000 का ये है, 5,000 का ये है, टोटल 9,000। तो ट्राई करके देखता हूँ कैसा है। सीढ़ियाँ भी कलरफुल है, देख लो। और हम घूमते जा रहे हैं साउथ कोरिया के गेमचोन कल्चरल विलेज के बाजार में। सामने वाले छोर पे थे, यहाँ से चलते चलते यहाँ तक आ गए। बिल्कुल पहाड़ की गोदी में बसा हुआ गांव है, रास्ता ऊंचा नीचा तीसरा है, कभी कभार मुश्किलें आती हैं, बट चलता है। चलो, यहाँ बुड्ढी के बाल मिलते हैं,
नए नए शेप में देख लो, वही सालों पुराने बुड्ढी के बाल है, बट मार्केटिंग की टेक्निक है, उसको नया बना के बेच रहे हैं और चल रहा है, बहुत बढ़िया है। ऐसे गाइडेड टूर भी आती है, पर अच्छा है, चलो वो भी इंग्लिश स्पीकिंग गाइड है तो और अच्छा है, ये काफ़ी बढ़िया है। यहाँ से आप सीधा बाहर का नज़ारा देख सकते हो, अच्छा रहा, सीधा बाहर का नजारा देख सकते हो आप। यह फोटो स्टूडियो है, मेड इन योर drawings, good luck, thank you. Where are you from, by the way? Russia. Siberia, very cold. Wow. -52 degrees. How do you feel here? Because it's very hot here. Anyway guys, have a great day. Bye. Chalo Russian mil gaye, साइबेरिया से थे, 30 डिग्री, -30 डिग्री में से यहाँ आ गए थे। एक और कलरफुल चीज आ गई, देख लो, कप का हैंडल जैसा कुछ बनाया है। ये देखो कितना अच्छा है, यहाँ बैग और थैले लगाए हुए, वो कह रहा है मेड फ्रॉम रिसाइकल बीच अम्ब्रेलास, जो बीच अम्ब्रेला को रिसाइकल करके ये सब बनाया गया है। लिखा भी अच्छा है, आई कैन नॉट शील्ड यू फ्रॉम द सन एनी मोर, नाउ इट्स योर टर्न टू कैरी मी। ये चलो मैसेज बोल बनाई है, तो मेरे लोग यहाँ फोटो लेते हैं, हम ऐसे ही अपनी फोटो निकाल लेते हैं। जो कभी मजबूरी थी वो आज टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गई है, दुनिया का खेल ही ऐसा है। कल पैसे नहीं थे तो ये बनाया गया और आज लोग पैसे खर्च करके ये देखने आ रहे हैं, है ना कमाल। देखो अनदर वॉल आर्ट, जो व्हाइट कलर का बिल्कुल हाई राइज अपार्टमेंट दिखता है, बहुत बुरा दिखता है, बहुत ही बुरा दिख रहा है।
आपको बाहर से इतने कलरफुल दिखते हैं ना हाउसेस, यहाँ एक सैंपल रखा है, मैं आपको अंदर का नज़ारा भी दिखा देता हूँ। ये सैंपल है, ज़रूरी नहीं है कि सभी हाउसेस ऐसे ही हैं, पर अंदर से देख पाइए इतनी छोटी जगह है। यह आर्टवर्क प्रिजर्वेशन के नाम पे इसको संभाल के रखा है, बट यहाँ पर कभी कोई रहता था और सोता था। ये मुझे लगता है यहाँ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। ऊपर से देखते क्या होता है, ये हम कलरफुल विलेज के हाईएस्ट पॉइंट पे आ गए हैं। तो देख लो मेरे बैकड्रॉप में ये सब कलरफुल विलेज के हाउसेस दिख रहे हैं। यहाँ से फिर रास्ता नीचे की ओर ही जाता है, जितना चढ़ना था हमने चढ़ लिया, अभी रास्ता नीचे जाता है। और वहाँ जो दो लेडीज चल रही है वहाँ से आगे जाके वो नीचे कहीं ख़त्म होगा। वॉल आर्ट है दोनों तरफ, और हम नीचे उतर रहे हैं। फ्लावर है ये रेड फ्लावर, मैंने यहाँ बहुत सारी जगह पे देखा, बहुत अच्छा लगता है। ऊपर भी लोग रह रहे हैं अभी भी, क्या तो उसका कुछ काम का जो रहता होगा। ये सब बाद में डेवलपमेंट किया होगा इसका, जब से टूरिस्ट लोगों ने इसको आइडेंटिफाई किया होगा या हमने शुरू किया होगा। ये हम पहाड़ की एक साइड में हैं, यहाँ भी कैफे है और दो लोगों का स्टैचू बनाया है। लगते हैं मुझे तो दोनों बच्चों के हाथ में जैसे वो कागज के प्लेन होते हैं वैसे प्लेन भी बनाए हैं। फेस ऑफ ध्यान चंद फोटो जोन, ये मिनिएचर वर्जन है ध्यान चंद विलेज। इसके आगे में जाए जैसा दिखता होगा, तो मिनिएचर वर्जन तकरीबन गांव के अंदर ही आ गए हैं। बीच में या तो कोई पैलेस बना है या कोई प्लेस ऑफ वर्शिप होगा। यहाँ के श्रमिक का कार्ट देख लो। अच्छा दोस्तों, आज की मुलाकात बस इतनी, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे, और आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।